नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेटिंग ऑल में। और आज हटके कुछ अलग टॉपिक लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सब जानते होंगे या फिर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ, यूपी पुलिस 2018 यानी 2018 में जो फर्स्ट फेज़ में जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसका एग्ज़ाम पहले हुआ था, उसका मेडिकल डेट आ चुकी है। हाँ, कन्फर्म हो चुका है, ये कई सिटीज़ में लेटर लग गया है और न्यूज़पेपर्स में भी आ चुकी है। तो मैं आपको बताऊँगा अभी, और ये भी बताऊँगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। और बहुत बच्चे ये पूछ रहे हैं कि अगर होगा तो सिविल पुलिस और पीएससी का क्या एक साथ होगा, तो मैं ये भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ, छोटी वीडियो रखूंगा। तो पीएससी का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है 8 अप्रैल से 25 अप्रैल तक जो है वो सिविल पुलिस का चलेगा, 23,000 कुछ हैं। तो बाकी जो पीएससी के बचते हैं, मुझे लगता है कि उनका उसके कुछ दिन बाद ही हो जाएगा। जैसे सिविल पुलिस का होगा उसके बाद पीएससी का स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर आप भी ज़्यादा चिंता ना करें और आप भी मेडिकल की तैयारी अपनी रखें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह की। और जहाँ तक बात है आपके डॉक्यूमेंट्स की, तो मैं आपको बता दूँ, आपको वही फ़ोटोज़ लेके जाने हैं जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाए थे। और आप नॉर्मल चीज़ें जानते ही हैं, जैसे कि आप अपनी आइडेंटिटी, आधार कार्ड वगैरह, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र, और आपके स्कूल से जो या करेक्टर सर्टिफिकेट मिला हो, या जिसने कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लिया वो कॉलेज से लास्ट में लेकर, यानी कि जहाँ से भी आपने लास्ट अपनी एजुकेशन की है वहाँ से आप अपना करेक्टर सर्टिफिकेट लेकर जाएं। और हर डॉक्यूमेंट्स के आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाना, और हर डॉक्यूमेंट्स की दो दो फोटो स्टेट लेके जानी है। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि फिर बाद में कोई मसला हो। और जिन बच्चों का आय प्रमाण पत्र, वो भी अपना इनकम सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं, और नहीं तो कोई बात नहीं, करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह उससे ही हो जाएगा। और 10th 12th की मार्कशीट वगैरह सब आपको लेकर जाना है। और अब मैं ये आपको बता दूं, जो देरी हुई है वो कुछ सिटीज़ में अभी थोड़ी देरी हो सकती है, क्योंकि ये अपने जोन वाइज हो रहे हैं, और आप अपने जोन के अकॉर्डिंग चेक कर लेना। जैसे कि जो शहर जिस जोन में आता है, जैसे कि बुलंदशहर का गाज़ियाबाद में होगा, ऐसे ही। और मैं आपको जो बताऊँगा, मथुरा के न्यूज़पेपर में आया था, वो मथुरा का मैं बताऊँगा, जैसा कि अभी आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, ये मथुरा के न्यूज़पेपर में आया था, अमर उजाला में, और भी न्यूज़पेपर्स में आया, आप देख सकते हैं। ये लिखा है सत्यापन 8 से, आप पढ़ सकते हैं। मथुरा आरक्षी, मथुरा में लिखा है, आरक्षी, नागरिक, पुलिस एवं प्रादेशिक आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी के पदों पर सीधी भर्ती 2018, चयनित अभ्यर्थियों की चिकित्सक परीक्षा चरित्र सत्यापन 8 अप्रैल से पुलिस लाइन परिसर में प्रातः 9 से होगी। ये जानकारी SP ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने दी। तो आप देख सकते हैं ये कंफर्म हो चुका है। और ये जो आपको पता चलेगा आपके सिटीज़ में, जैसे कि आप जिस भी शहर में रहते हो, यूपी में कहाँ होगा, तो फिर आप देख सकते हैं, आपको सिविल पुलिस, अपनी पुलिस लाइन जो होती है वहाँ से जानकारी करनी होगी, वहीं पे होगा ये। आप पुलिस लाइन से जानकारी करते रहें, उसके बाद जो आपका कॉल लेटर जो आएगा वो भी आपको पुलिस लाइन से आएगा। हो सके वो आपके एड्रेस से आपको ही मिले, वो ऑफलाइन ही आएगा, ऑनलाइन नहीं आएगा, या फिर ऐसा हो सकता है आपको ही फ़ोन कांटेक्ट करके पुलिस लाइन बुलाया जा सके। इसके लिए आप तैयार रहें। और इसके बाद, मेडिकल के बाद आपका वेरिफिकेशन भी हो सकता है, हो सके वो आपका कॉल लेटर के बाद हो, या हो सके कॉल लेटर से पहले हो, तो आपको उसकी भी तैयारी रखनी है। और दोस्तों, आप जिन जिन जिनका पिछले वाले एग्ज़ाम में नहीं हुआ था, वो आगे वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहें। और 8 तारीख से 25 तारीख तक ये चलेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही पल पल पे न्यूज़ लाता रहूँगा, जो भी जिससे रिलेटेड मुझे पता चलता रहेगा। और भी मैं और भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराता हूँ अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं, मैंने और भी वीडियोज़ डाल रखी हैं। तो चलते हैं, और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।